महिमा सतगुरु शब्द सतार मां सार बचन पन्ना 85। काल ने जागत अजब परमाया, मैं क्या क्या करूं बखान, जो साधन थे पिछले युग के तो कल युग में किए परमान। मरासी मसीते चलिया गया। उथे मसीत का मौलवी मौजूद सी, उसनु कहन लग्या के सच बोलिया कर, बेशक कष्टी क्यों ना आवे। वो कहन लग्या कोशिश करूंगा। अगे जट आ रहा सीगा, अगे जट दी लड़की आ रही सी। मरासी उहदे सिर दे विच हाथ मार के कहन लग्या, उधर दिए किधर चली है। उन्हें घरे आके जट कोले आपके बाप को दसिया कि मैनू मरासी इस तरह बोलिया। मरासी ने छवी जट ने छवी चुकी और उस मरासी दे मगर दौड़िया कि ठहर, तेनू मैं पुछदा है कि उधर दी किस तरह कही दा हुंदा है। जदों देखिया मरासी ने कि जट हुण छड़दा नहीं, छवी मारेगा, वो कहन लग्या कि हुण जे सच बोलिया तो इसने छड़ना नहीं। उसनू जट दी तारीफ करन लग्या, कहन लग्या मेरी भंग पीती हुई सी, मैं इस वास्ते गलत बोल पिया, भुखा सीगा, तेरे दरदा मंगता हाँ। जट ने घरे लिया के घरवाली नू कहन लग्या कि देख इसकी भंग पीती सी, ये भुखा है, इसनू खाना दो। मौलवी कोले आके कहन लग्या, देख बई जे मैं सच बोलदा तो उस जट ने नहीं छड़ना सीगा, मैं जुगती नाल जान बचा ली। कहन दा भाव इतना ही है कि बेशक साडी जान चली जावे लेकिन सच इत्थों ना जावे। जेड़े मालक दे प्यारे भगत हुंदे है उन्हां नू सहज अवस्था प्राप्त करनी पैंदी है। उन्हां दा ख्याल अपने निंदकां या प्रशंसकां दी तरफ नहीं हुंदा गा। ना तो प्रशंसा करन वालां दी कोई परवाह करदे है, ना कोई निंदिया करन वालां दी परवाह करदे है। उन्हां नू उतट परमात्मा दे हुक्म दे उत्ते विश्वास हुंदा है कि परमात्मा गुरु दे हुक्म बगैर कोई पत्ते तक नहीं हिलदा गा। इस वास्ते वह इन्हां चीज़ां तो उपर उठ के अपनी जिंदगी बतीत करदे है। तुहाडे अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, गौर नाल सुनण वाला है। आप दसदे है कि काल ने अजिहे ही तरीके नाल इस संसार नूं परम दे विच पाया होया है। मैं की तुहानूं दसां, जो साधन पिछले युगां दे सन वो कलयुग दे विच लागू किए हुए है। सत युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक युग दे पिछे दूसरा चक्कर लगा रहा है। हुण जरा सोचण वाली गल है कि सतयुग के अंदर लख बरस की इंसान की उम्र सी और त्रेते दे विच 10,000 बरस की उम्र सी, द्वापर के अंदर 1,000 बरस की उम्र सी, कलयुग के अंदर 100 साल तक भी बहुत कम ही आदमी पहुँचते हैं, नहीं तो 60-70 दे विच ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। हुण सोचण की बात है बड़े ठंडे दिल ना कि जो आदमी लख वर्ष विच काम कर सकता सीगा वो किस तरह अज 100 साल विच पूरे कर सकता है, 50-60 साल विच किस तरह कर सकता है। सतयुग के अंदर साडियां सेहतां बहुत अच्छियां सन, ख्याल दुनिया अंदर ज्यादा फैलिया होया नहीं सीगा, जमीन के अंदरों थोड़े जे उपराले नाल अन्न पैदा हो जाता सीगा, अन्न बड़ा अच्छा ताकतवर हुंदा सीगा। जिस तरह युग बीतते गए, उम्र घटदियां गईं, जमीन के अंदरों भी अन्न वगैरह
पैदा करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। अजकल का तो पता ही है सानू कि किस तरह रसायनिक दवाइया कैमिकल चीजा के नाल खेती बाड़िया पैदा कीतिया जांदिया है, वो भी चीजा असी खाने हैं साढ़े शरीर के उत्ते उन्हां ही चीज़ों का असर हुंदा है। अज के युग में तो तुहानू पता ही है साडा की जिहड़ा ख्याल है वो छेती कीतिया टिकदा नहीं गा। इत्थे भी आपां सत्संग दे अंदर बैठे हैं, कदे गोडे अकड़ाउणे हैं, कदे किते कदे किते, कदे ख्याल जिहड़ा है घर दे कारोबार च जांदा है, कदे दुनिया विच जांदा है, इत्थे बैठा भी यह टिकदा नहीं गा। इस वास्ते जिहड़े पिछले साधन है वो असी किस तरह किस तरह असी उन्हां दे विच कामयाब हो सकते हैं। अगर संत महात्मा आके समझाउंदे हन कि भई इहदे विच तुसीं कामयाब नहीं हो सकदे गे, असीं अगों जवाब दिंदे हैं कि साडा पे दादा करदा आया। तुसीं सोच के देख लो कि अगर किसी का पे दादा गलत सीगा तो उहदे मगर बेटे का हक तो नहीं कि वह भी गलत तुर पवे। उहदा तो हक है कि जिस तरीके नाल सानू परमात्मा मिले, जिस साधन नाल परमात्मा मिले, उस दे उत्ते चले। जो साधन पिछले युग के तो कल युग में किए परमान, मूर्ख प्राणी मन सैलानी सो अटके जल और पखान। बुद्धिमान अभिमानी जो नर विद्या नार के हुए गुलाम। हुण आप प्यार दे नाल दसदे आ के जेड़े मनमौजी हुंदे है वो की करदे है, मन दे मगर लगन वाले, पैसा इकट्ठा कीता, दसानहां दी किरत कीती, दुख चलिया, तीर्थां ते तुरते, उत्थे खाक छाण दे फिरे, जिथे भी गए पानी तो सवाए पत्थर तो सवाए कुछ मिलिया ना। और जेड़े दरम्याने दर्जे दे सन विद्या पढ़न दे विच ही उहनां नूं हंकार होया कि शायद पढ़ पढ़ा के ही परमात्मा मिल सकता है। मैं अपना जाति तजर्बा दसदा हुंदा कि मेरे पिता जी, मैं सिख फैमिली के अंदर पैदा होए, उन्हां दा गुरद्वारे के भाइयों के उत्ते अटुट विश्वास सी, अच्छी श्रद्धा नाल खाना खवाउंदा हुंदा सीगा। मेरी माता उन्हां वास्ते खंड घी दही सब कुछ भेजदी सीगी और बहुत अटुट विश्वास सी। 70 सिख रस्मों रवाज के मुताबक उन्होंने अपनी जिंदगी विच अखंड पाठ भी कराए, लेकिन जब अंत समा आया किसी भी रीति रिवाज ने या कर्म कांड ने उन्हां दी मदद ना की। ये एक सच्चाई है। उन्हें ये नहीं दस्या कि गुरुद्वारे का भाई आ खड़ा है या क्योंकि वह पंडितां नूं काफ़ी मनदा हुंदा सीगा, पंडितां नूं खीर खवाउण वास्ते अपने मोढ़िआं ते चुक के लिआउंदा हुंदा सीगा। ना उसने ये कहा कि आ मंदिर का पुजारी पंडित खड़ा है, लेकिन उस वेले मेरा चश्मदीद वाकया है ये क्या कि सावन है कृपाल है। 3 दिन पहला उसने दस दिता कि मैनू 2 हस्तियां लैण वास्ते आईया हैं। सो कहण दा भाव यह है, गुरु अमरदेव जी महाराज कहिंदे है कि पढ़न दे नाल परमात्मा नहीं मिलदा गा, जो कुछ असी पढ़ते हैं उहदे उत्ते अमल करन नाल ही परमात्मा मिलता है। संत पढ़ पढ़ाई नूं बुरा नहीं कहिंदे गे, वो कहिंदे जो पढ़ते हैं उसनों विचारो उस दे उपर चलो। तोते दी तरह पढ़न नूं कोई नहीं सानू लाउंदे गे, कहिंदे सोच के पढ़ो। पढ़ना इस तरह ही है कि जिस तरह असीं किसी बर्तन नूं साफ कर रहे हुंदे हैं, हुण जे सारी जिंदगी बर्तन नूं घसाउण ते लगे रहीए की फायदा है। जो उहदे विच कोई वस्तु ना पाई, संतां दी बाणी दे अंदर सत्संग की महिमा है, नाम की महिमा है, सतगुरां की महिमा है, क्योंकि सतगुरां बगैर नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं और सत्संग तो बगैर साधु सोझ ही नहीं आती। कि गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है जे ता पढ़िया ते ता कढ़िया, बहुत तीर्थ पविया ते तो लविया।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦੁਰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਲਫ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਕੰਨੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਦਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਣਾ ਚਿਰ, ਆਖਰ ਛੇਤੀ ਜਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਮਾਨ ਅਵੇ ਮਾਨੀ ਜੋ ਨਰ ਹਿਦਿਆ ਨਾਰ ਕੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ, ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਬੀਚ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਨਾ ਅਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਜਪ ਤਪ ਵਰਤ ਸੰਜਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਮੇ ਜਲੇ ਨਿਦਾਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਨਾ ਬਟੇਰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਾਲ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਵਰਤ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਰਚੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੈਨੀ ਲੋਕ 2 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਜਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਭ ਧੋਖੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜੀਵ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਾਡੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ 10 ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਪਰਮ ਭਲਾਹੀਂ। ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਸੰਜਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਮੇ ਜਲੇ ਨਿਦਾਨ, ਦੇਖੋ ਚਿਤਰ ਕਾਲ ਕਰਤਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੁੰਦਾਨ, ਪਟਕ ਪਟਕ ਪਟਕਾਇਆ ਸਭ ਜਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਠੋਰੇ ਠਿਕਾਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਾਲ ਨੇ ਪਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ।
और ना आउण नहीं दिंदा है। काल आप तो उपरला भेद किसी नूं लैण ही नहीं दिंदा गा। गुरु नानक साहब कहिंदे है किसे देश ना आया सुनिया तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तै नाही मैल उसारन बैठा जे को नाव ले बदनामी कल के लखण ए पटक पटक पटकाया सब जग कोई न लगाया ठोर ठिकान ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन गुर सेवा और नाम महात्म सत संग सत गुर किया बखान। जद ओ परमात्मा देखता है कि सारी दुनिया पत्थरां नूं पूजन लग गई है कर्म कांड नूं पूजन लग गई है और पानिया के अंदर मैनू लभदी है उस वेले परमात्मा नूं आत्मा के उपर तरस आउंदा है। वो अपने एजेंट अपने प्यारे बच्चे इस संसार विच संत रूप संतां दे रूप विच भेजदा है कि जाओ तुसीं उन्हां जीवां नूं समझा के लियाओ उन्हां नूं बाहरों तां कुछ मिलना नहीं मैं तां उन्हां दे अंदर बैठा है। ऐसी हालत नूं देख के वह संतां नूं भेजदा है संत आके की करते हैं अपना सत्संग जारी करते हैं नाम का उपदेश देंदे है और वो दसते हैं कि उस परमात्मा का कोई रंग नहीं रूप नहीं रेख नहीं भेख नहीं वो साढ़े जैसे नक्श उस परमात्मा दे है। अगर कोई आदमी गुरु के स्वरूप का ध्यान करता है अंदर और बाहरी स्वरूप के अंदर कोई फर्क नहीं पैंदा गा। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल सानू दसते है वो सब कर्मां दे विचों सानू कढ के शब्द नाम की कमाई के उत्ते ला दिंदा है। स्वामी जी महाराज कहिंदे है संत रूप हुए जग में आया अपना भेद आप उस गाया संतां दा रस्ता कदे बंद नहीं हुंदा गा हर युग विच आउंदे रहे है। इस वास्ते आप कहिंदे है कि तीन चीजां वो आके कायम करदे है अपना सत्संग जारी करदे है नाम का भेद जीवां नूं दसदे है और सत्संग दे विच आउण वास्ते प्रेरदे है। अज तक किसे नूं भी सोझी आई जां किसे दा भुल्लड़ मन परमात्मा की तरफ लग्या तो किसे सच्चे सुचे महात्मा की संगत दे विचों ही ठोकर खा के उधर लग्या परमात्मा की तरफ। अगर किसी का बच्चा कोई बरियाई करके शरारत करके जेल के अंदर चलिया जाता है फिर भी उस वास्ते अच्छा वकील या छुड़ाने का उपराला उसका पिता ही करता है क्योंकि उसकी ममता उस दे नाल हुंदी है। इस तरह साड़ी आत्मा उस परमात्मा की अंश है वो परमात्मा ही साढ़े ते दया करके अपने प्यारे बच्चों नूं इस संसार विच संतां दे रूप विच भेजदा है। संत महात्मा अपने सत्संग के अंदर किसी समाज की निंदा नहीं करते गए बल्कि सब समाजों का आदर करते हैं। फर्क इतने हुंदा है कि उन्हां दे सत्संग के अंदर कोई रीति रिवाज नहीं हुंदा गा वो प्रैक्टिकल करवाउंदे हैं। गुर सेवा और नाम महात्म सत संग सत गुर किया बखान साधन तीन सारे उन बरने और साधन सब थोते मान वेद शास्त्र और सिमरत प्राण पढ़ना का बिरथा जान। हुण आप कहिंदे है कि जितना भी बाहर रीति रिवाज है संत कहिंदे भरावा ये छिलका है छिलके तो नजर उठा के नाम गिरी है वो गिरी की तरफ ला देंदे है। संत किसी वेद शास्त्र की निंदा नहीं करते गए पढ़नो नहीं हटाते गए बल्कि संत उन्हां नूं चोर कहिंदे है वेदां दे जो लोग वेदां दा ग्रंथां दा अर्थ नहीं जानते गए उन्हां नूं समझ नहीं सकते गए। कबीर साहब कहिंदे है वेद कतेव कहो मत झूठे झूठा जोरां विचारा वेद शास्त्र और सिमरत प्राण पढ़ना इनका बिरथा
खेत के मारे वे संतन पर करते तान हित कर संत उन्हें समझावे वे मानी ने माने हुण संत महात्मा जद आउंदे है इस संसार दे उत्ते हमेशा कहंदे है अपनी कमाई करके अपना पेट पालो बच्चियां दा पालो और खुद इस दे उत्ते चलदे है सानू भी इस दे उत्ते चलण दा उपदेश दिंदे है। हुण जद पंडित भाई लोकां दे रुजगार दे विच फर्क पैंदा है ओह संतां दे उपर चिकर चिकना शुरू कर दिंदे है लेकिन महात्मा दे दिल अंदर उन्हां दे वास्ते भी जगह हुंदी है प्यार हुंदा है इज्जत हुंदी है उन्होंने भी प्यार समझाते हैं लेकिन वह मानवडेई दे विच फसे होंगे है धन दौलत को इकट्ठा करने वास्ते लगे होंगे लेकिन वह फिर भी नहीं मनते गए। शेख सिलवी मनसूर की गद्दी के उत्ते उन्हों तो बाद बैठा सीगा अच्छी कमाई वाला सी उसके पास दो आदमी नाम कलमा लैन वास्ते आए वह कहने लगा तुसी अलग अलग दोने आओ वो आए पहले नूं शेख सिलवी कहन लग्या ला इलाहा लिल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह वो कहन लग्या के तौबा तौबा वो जिहड़ा नाम लैण वास्ते कलमा लैण वास्ते आया सी शेख सिरवी कहन लग्या तौबा तौबा आखिर उसनूं पुछण लग्या जिहड़ा उह शिकायत बण वास्ते आया सी कि भी तूं तौबा तौबा क्यों कीती वो कहन लग्या पहला तूं दस वी तैं तौबा क्यों कीती वो कहन लग्या बई तूं एक मामूली जीव है जिहड़ा ये कहना है बे सिलवी रसूल अल्लाह तू मामूली जीव मुहम्मद होने का किस तरह दम भरदा है और हुण तू दस भी तू तौबा क्यों कीती वो कहन लग्या मैं गंदे हिरदे दे विच कलमा रख बैठा सीगा मैं तौबा तां कीती कि भगवान ने मैनू बचा लिया क्योंकि किसे कलमा देना नाम देना कर्म चुकण हुंदा है इस वास्ते मैं तौबा कीती है कि मैं बच गया। जदों दूसरा आया उसनू उसने उसे तरह किया ला इलाहा लिल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह वो कहन लगा ठहर जा मैं फिर तेतों कलमा लूंगा पहला सवाल कर लैण दे मैं तो तेनों भगवान दे नाल खुदा दे नाल जुड़िया समझ के आया सी कि तेरे और खुदा दे अंदर कोई फर्क नहीं अगर जे तू मैनू अवतारा पकंबरा नाल ही जोड़ना है तो भाई मेरी तौबा है मैं नहीं तेरे को ठहरदा गा वो कहन लग्या मैं हुण तेनों खुदा नाल ही जोड़ दूंगा खुदा दे नाल ही तेनों मिला देऊंगा। तो कहण दा भाव इतना ही हुंदा है कि संत महात्मा उस मालक दे विच समाए हुए जीव हुंदे है वो इस तरह परमात्मा नूं तक रहे हुंदे है देख रहे हुंदे है जिस तरह कि आपां इस मकान दे अंदर बैठे सारे एक दूजे नूं पछाणदे हैं जी। हित कर संत उन्हें समझावे वे मानी ने माने उनके चा माने और तन की परमार्थ से खाली जान वे चौरासी चक्कर मारे फिर गिरते चारों खान वो क्यों नहीं मंदे गए स्वामी जी महाराज कहते हैं उन्होंने पैसे ना लालच है कमाओ तुम खाए हम वो कहते दुनिया अच्छा चढ़ावा चढ़ती है परमार्थ तो खाली जाते हैं आखिर जिहदा खाता है वह देना पैंदा है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि तुसी ख्याल ही दिल चो कढ दिओ कि जिहदा खाने हो उहदा तुसी ना दोगे। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सीगे गृहस्थी अगर घंटा भजन करे तो वह आधार हो जाता है साधु पंज घंटे जिहड़ा किसी का खाता है अभ्यास करे तद भी वह करजाऊ ही रहेगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर ग्रेही का टुकर बुरा नौ नौ उंगल दांत भजन करे तो उभरे नहीं तो कढ़े आंत। कबीर साहब ने सारी जिंदगी ताना उणिया
रविदास ने सारी जिंदगी जुतियां गठियां, हालांकि राजे महाराजे लोग उन्होंने सेवक सन, अच्छे महलों में रख सकते सन। गुरु नानक देव जी महाराज ने सारी जिंदगी खेती करी, अपनी परवरिश की, बच्चों की करी, और हमेशा यही कहते हैं कि गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगी पाए, काल खाए कुछ हथों से, नानकरा पछाने से। महाराज सावन सिंह ने सारी जिंदगी अपनी पेनशन के गुजारा किया, आखिरी टाइम के उत्ते परि संगत यही किया कि मैं किसी को लेना है तो माफ किया, अगर अणजाने मैं भुलिया बैठा वहाँ कि देना तो वह लै सकता है। मैं सारी जिंदगी संगत का पेट्रोल बालिया, सब्जी खाधी, जिदे पिछे मैं माफ़ी मंगता हाँ। इस तरह महाराज कृपाल ने सारी जिंदगी अपनी पेनशन के गुजारा किया और बहुत सारे लोगों की पैसे नाल उन्होंने मदद की, क्योंकि संत महात्मा तो दुनिया के अंदर एक मिसाल बन के आते होंगे है, वो साड़ी सेवा नूं लंगर विच पा देंगे, कोई चीज़ बना देंगे जिदे नाल संगत का फायदा होंदा रहे। महाराज सावन सिंह कहिंदे होंदे सी लंगर दे विच अमीर लोग सेवा पाते हैं, गरीब खा जाते हैं। चौरासी चक्कर मारे फिर गिरते चारों खान, पिछले जुग की विद्या पढ़ते कोई नहीं आए वेदांत बखान, ना साधन अधिकार न परखे पढ़ने का करते अभिमान। हम पिछले युगों के अंदर वेद व्यास विशिष्ट वर्गियां दियां कमाइयां कीतियां सन, वो अंदर जांदे सन, लेकिन अज उन्हां दियां लिखियां होया ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के लोग हंकार विच आ जांदे है, कहिंदे है तू भी वर्म है, मैं भी वर्म है। आख्या नाल तां कोई बंदा वर्म नहीं बन सकदा गा, अगर कोई मजदूर है कहे मैं बादशाह हाँ कि वह कहने दे नाल बादशाह बन जाएगा। ना साधन अधिकार न परखे पढ़ने का करते अभिमान, इस युग की विद्या नहीं पढ़ते ताते उलटे गिरे निदान, दीन गरीबी मत इस युग का और गुर भगति कर परमान। हुण जिस युग दे विच आपां पैदा होए हैं, जो गवर्नमेंट अज राज कर रही है, जो बादशाह अज तख्त ते बैठा है, उहदा हुक्म मनना बड़ा जरूरी है, अगर उहदी बगावत कोई करेगा वह कुचल दिंदा है। इस तरह अज कलयुग है, जो कलयुग दे युग दे साधन हैं उही असी करिए तां कामयाब हो सकते हैं। कि साधन है इहदे विच मुक्ति नाम विच है, सुर शब्द व्यास विच है। गुरु नानक नूं जद सिद्धा ने पुछया कि संसार समुंदर चों किहड़ा रस्ता है जिहदे नाल पार हो जाईदा है, गुरु नानक साहिब कहिंदे है जैसे जल में कमल नरालो मुरवाई निशाने, सुरत शब्द भव सागर करिए नानक नाम वखाने। सुरत शब्द तो भाव आत्मा दा उस परमात्मा दे नाल जोड़ करना है, वो आत्मा भी जिसम दे अंदर है, वो परमात्मा भी जिसम दे अंदर है। महात्मा नूं तजर्बा हुंदा है, वो इन्नी समर्था रखते हैं कि साडी आत्मा नूं वो शब्द नाम दे नाल जोड़ दिंदे है। दीन गरीबी मत इस युग का और गुर भगति कर परमान, ताते निर्मल निश्चल चित हुए गगन चराओ शब्द निशान, सुरत शब्द मार्ग अंतर मुख पांच शब्द का गहो ठिकान। हुण
आप दसदे आ गुरु भगती का की फायदा है, आत्मा निर्मल हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, अंदर दीनता आ जाती है, बाहरों ख्याल हटा के संत अंदर की तरफ ला देंगे है। वो दसदे है कि किस तरह सचखंड तो पांच शब्द वज रहे हैं, पांच कलमे मुसलमान उन्होंने कहेंदे है, इस वास्ते आप कहेंदे है वह पंजे धुना तुहाडे अंदर आ रही हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहेंदे है घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पांच शब्द तुनकार तुनत है वाजे शब्द निशान। सूरत शब्द मार्ग अंतर मुख पांच शब्द का गहो ठिकान, शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़ कर पहुँचो साचे खंड सतनाम, ताते पहले गुर को त्याओ और काम सब पीछे जान, गुर की मूरत हृदय बसाओ चंद्र चकोर प्रीत घट आन, जब लग ऐसी प्रीत न होवे तब लग साधन यही बखान, गुर भक्ति जब पूरन होले तब सुरत चढ़े आदर आसमान, गुर भक्ति बिन शब्द में पचते सो भी मानुख मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खेंचे सुरत गुरु बलवान, गुरमुख ताबिन सुरत न चढ़ती फूटे गगन न पावे नाम, गुरमुखता है मूल सभन की और साधन सब शाखा जाने, माता को जस पुत्र प्यारा और कमी को कामने जाने, मछली को जस नीर अदारा चात्रिक को जस स्वाद समान, ऐसा गुर प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पंथ चलाने, कहना था सो सब कह दीना अब तू चाहे मान न माने, यह आरत गुरमुख की गाई गुरमुख होए सो करे परमान, राधा स्वामी भगत बताई गुर की भगत करो यह जाने, और भगत सब दूर बहाओ
क्यों परते चौरासी खाने गोरे भगती समय और न कोई राधा स्वामी किया बखाने गोरे का ध्यान करो तुम निसदिन गोरे का शब्द सुनो नित काने नैन श्रवण और हृदातीनो शीश महल सम निर्मल जाने राधा स्वामी जोर दे कर गुर भगति को कहे परमान मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरे आदमियों की निंदा तभी करते हैं जब हम अपने आप को उनसे नीचा या हीन भावना अपने अंदर महसूस करते हैं, और इसीलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए हम दूसरों को गलत साबित करते हैं। तो मेरे जहन में ये आता है कि अगर हम सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना सीखें, तभी हम दूसरों को प्यार कर सकेंगे और दूसरों को स्वीकार कर सकेंगे। और इसी तरह से जब हम अपने आप को स्वीकार करना सीख जाएं और प्यार करना सीख जाएं, तभी हम आपको प्यार कर सकेंगे। क्या ये मेरी सोचनी सही है? हाँ भाई, ये सोचनी ठीक है। उसी वक्त ही आदमी निंदा आलोचना दूसरे दी करदा है जब अपनी कमजोरी छुपानी चाहता है, दूसरे की बड़ियाई देख के वह तो चली नहीं जाती। हमेशा कमजोर दिल आदमी ही दूसरे की निंदा आलोचना करता है। जो लोग किसी की निंदा करते हैं वो अपना परमार्थ का बहुत वड्डा नुकसान कर रहे होंगे। सुखमनी साहब के अंदर निंदा के उत्ते खास करके रोशनी पाई गई है। एक अष्टपदी के अंदर उस तो बाद जो गौड़ी राग दे मैं काफ़ी सारे सत्संग किए हैं, किताब छप के तैयार हो जाएगी, उस दे अंदर भी बहुत कुछ इस दे मुतालिक बोलिया गया है। आप उसनु विचारें पढ़ें, आप लोगों नु बहुत मदद मिलेगी। जो आदमी पूरा है, मजबूत है, सतगुरु नु प्रगट कर लेंदा है, वो ना तो खुद ही किसी की आलोचना करे निंदा करे और ना आपदे सेवकां ही इस बीमारी दे नेड़े आउन देवे, क्योंकि बड़ी परमार्थ वास्ते काटेबंद बीमारी है। इस निंदा आलोचना दे अंदर कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं। अगर कोई थोड़ा बहुता भी अंदर जाता है, तीसरे तिल ते एकागर हुंदा है, वो भी सहज अवस्था धारण कर लेंदा है, स्वाभाविक ही ऐसा मन बना लेंदा है। वो ना किसी की निंदा की परवाह करता है, ना प्रशंसा की परवाह करता है। उसकी प्रशंसा खुशी का कारण नहीं बनती, निंदा उदासीनता का कारण नहीं बनती। कि उनू अटल विश्वास होंदा है अपने गुरुदेव के उत्ते कि बगैर हुक्म तो पत्ते तक नहीं हिल सकता गा। जो कुछ हुक्म विच ही है वो अपने गुरु का भरोसा लेके प्यार लेके चलता है। इसने ये बताया कि हमें अपने आप को प्यार भरा स्वीकार करना चाहिए और तभी हम प्यार पैदा कर सकते हैं और आपसे प्यार कर सकते हैं। और आपने खुद भी कहा कि ये काफी लंबा संघर्ष है, इसके अंदर काफी समय लग जाता है। तो जब तक हम ये संघर्ष जारी रखते हैं अपने आप को प्यार करने का और आपको प्यार करने का और इसमें कामयाब होते हैं, इस दौरान हमारे साथ में हमारे कर्मों के पिछले हिसाब किताब की वजह से कई बुराइयां भी हैं जिनके साथ में हम जी रहे हैं, तो उन सब बुराइयों के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? ये भी रास्ता असी चुनना है। ये ठीक है, बुराई भी साडे अंदर है, भलाई भी अंदर है। रास्ता असी खुद चुनना है कि केड़ा साडे वास्ते ठीक है। तुहानू पता ही है, बुराई नू चुन के असी कामयाब नहीं होंगे गे,
बल्कि होर कर्मां दा बोझ सिर ते भारा कर लैनी है। क्यों ना नाम मार्ग दे उत्ते चलिया जावे। मन मार्ग दे विच साडी आत्मा तीसरे तिल तो थले इंद्रियां ते काट आ जांदी है, और जद असीं गुरु मत ते चलदे हैं तो ये इंद्रियां दा साथ छड के तीसरे तिल ते एकागर होके अपना सफर अपने घर दा शुरू कर दी है। आपने ये भी कहा है कि हमें किसी की भी बड़ियाई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ गुरु की बड़ियाई करनी चाहिए, जबकि सारी जो अच्छी आदतें या अच्छे गुण हैं वो गुरु की तरफ से दिए गए हैं। तो क्यों ना जिस व्यक्ति के अंदर वो गुण है उसको उसकी तारीफ की जाए। उस तरह से तारीफ करने में क्या नुकसान हो सकता है? देखो वही बात है, वड़ियाई करने वेले सब तो पहले सोचने की चीज है, समझने की चीज है कि असे वखावे की वड़ियाई तो नहीं कर देंगे, कि उसनु खुश करने की वड़ियाई तो नहीं कर रहे गे। अगर असी उसनु खुश करने की वड़ियाई करते हैं उदे विच साडा कोई लालच छुपया हुंदा है। गुरु की वड्याई जो सच्ची है वो अंदर जाके है, उदी शिक्षा दे उत्ते चल के है, उदी शिक्षा का पालन करना ही गुरु की सच्ची वड्याई है। वैसे सानू किसी समाज प्रति किसी भी जीव प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। सब ना प्यार आदर का व्यवहार होना बहुत जरूरी है, खास करके एक सत्संगी वास्ते सबसे ही जरूरी है। सत्संगी नूं एक उदाहरण बन के समाज दे घर दे प्रति उदाहरण वजो पेश आना चाहिए है। दूसरे लोगों नूं ये पता लगे कि यह पूरे गुरु का शिष्य है, ये अंदर कितने गुण धारण किए है, ये झूठ नहीं बोलता सच बोलता है, अपनी दसों नहां दी रोजी रोटी कमाता है और उससे अपना निर्वाह करता है। जब कोई आदमी किसी की निंदा करे, जैसे कि अगर कोई आदमी मेरी निंदा करता है और किसी और आदमी के जरिए आकर के मुझे पता लगता है कि वो मेरी निंदा करता है, जबकि मैंने अपना दरवाजा उसके लिए खोल रखा है कि अगर वो चाहे तो वो खुद आके मुझे बता सकता है, लेकिन वो खुद नहीं आता, किसी और के जरिए आकर के मुझे बताता है, तो क्या उस समय हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसके पास चल के जाएं और उससे बात करें? या जिस तरह से मैंने किया हुआ है रवैया, मैंने अपनी बीबी को कहा कि अगर कोई आदमी मेरे खाते में पैसे रखना चाहता है तो उसकी मर्जी है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं। तो कि अगर हमारी कोई निंदा करे और किसी तीसरे आदमी के जरिए हमें पता लगे तो क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे जाके बात करें या उसकी तरफ को ध्यान ना दें? सब नालों बेहतर ते है कि ऐसे मौके पे खामोश रहने की फायदा है, लेकिन साडे कमजोर दिल है और छोटे दिमाग है, जब असी ऐसी गल सुनते हैं किसी के जरिए तो असी कपड़ों तो बाहर हो जाने हैं, साडा खून भी उदू वध तेजी नाल दौरा करता है, उदू वध असी उस बंदे को गल्लां कह बैठते हैं। वो जिहड़ा बंदा तुहाडे कोले आके ऐसी हरकत करता है, आके दसदा है कि फलाना आदमी ये तेरी आलोचना करता है, निंदा करता है, याद रखो जब तुसी उत्थे बुरा लफ्ज बोलोगे तुहाडी सुन के उधर जाके करेगा, क्योंकि ऐसे आदमी जेड़े जिन्हां दे गल पचदी नहीं गी वो दोनों पासे फिरदे हुंदे है, अपने जीवन नूं खराब करन वास्ते उन्हां दा सारी जिंदगी यही हाल हुंदी है, ओदी कर ओदी सुन ओदी कर ओदी सुन। अगर कोई तकड़ा आदमी है, समझदार है, तुहाडे कोले आके जद कोई बंदा गल करदा है कि तेरी फलाना आदमी आलोचना करता है, उदो तुसी काफी सिमरन करो, गुरु दा ध्यान करो, उनु तुसी ए प्यार ना कह दो, देख भी मैं तो उदे नाल प्यार करता है, ए हुण उदी ड्यूटी है, तू खमोश रह, मेरे कोले आके ऐसी हरकतां ना कर। ख्याल अंदर वो मुड़ के तो शर्मिंदा होके चला जाएगा, तुहाडे उत्ते वो हमला नहीं कर सकेगा। आपने उस दिन ये बताया कि जिन आत्माओं को नामदान मिलना होता है उनका चुनाव तुरधाम में ही हो जाता है, तो क्या आप बताओगे कि किस आधार पे उनका चुनाव होता है? हाँ भाई
सब तो पहला मैं आपको बताऊं कि आप अपने कैमरे अंदर रील डालें, आज आपने मौका दिता जाएगा फोटो खींचने का, क्योंकि आप दिया फोटो काफी सारिया सुखपाल ने खींच लिया। पाल दे पास भी तेरे जैसे कैमरा है। हाँ भाई, हुण आपां असली सवाल दी तरफ आने हैं। थानू पता ही है कि जब बच्चा सोया होया है, जो माता है उसनू लालच हुंदा कि मैं करदा कारोबार कर लवां, जो भी काम है करदा वह करदी रहिंदी है, बच्चा सोया पड़िया है वह बेफिक्र है। जब बच्चा माता वास्ते रोंदा है उस वेले माता दे अंदर ममता हुंदी है, प्यार हुंदा है, उहदी हमदर्दी हुंदी है। बेशक वह कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर दी हुए, उसनू छड के एकदम बच्चे नू आके छाती ना लाएगी, जो उहदी जरूरत है वह पूरी करेगी। यह तो एक दुनियावी मिसाल है। जब असी परमात्मा की तरफ सोए हुए हैं उस अपने परमात्मा नू याद नहीं कर देंगे, इस दुनिया दे विच विचर के ही खुश रहने हैं, तो परमात्मा भी साढ़े कनियों बेफिक्र है। जब असी इस संसारां दे दुखां चों सुखां चों घबरा के इन्हां दी असलियत नू समझ के उस परमात्मा दे अगे फरियाद करते हैं कि हे परमात्मा, तैथों बगैर साड़ी कोई मदद नहीं कर सकता गा, तू आपदे पास सानू बुला, सानू क्यों वसार दिता है, सानू संसार दे कितने भी सुख क्यों ना मिल जान, असी उस परमात्मा नू पकारी जाने हैं। जिवें एक पपीहा पानी स्वांती बूंद नू पकारदा है, तो परमात्मा तो भी रिहा नहीं जाता गा, वो फिर उस वक्त साड़ा चुनाव करता है। परम पिता कृपाल कहिंदे हुंदे सी, भुखे नू रोटी प्यासे नू पानी कुदरत दा असूल है, जरूर मिलता है। वो फिर सानू अपनी ऐसी किसी जगह भेजदा है जिथे कि वह परमात्मा जिस पोल कोले जिस पोल ते कम करता है, वो सानू जिस तरह किसी दरख्त की प्यौंद ला दिंदे है, वह नाम शब्द की प्यौंद ला दिंदा है, और साड़ी आत्मा दुनिया की तरफों सोना शुरू कर दी है, परमात्मा की तरफों जागना शुरू कर दी है। इन्हां कौमां मजहबां मुल्कां दे विचों प्यार कढ के उस परमात्मा की तरफ अपना प्यार वधाउणा शुरू कर दी है। मैं अपने बचपने की कहानी कई दफा सुनाना हुंदा है। मेरी बहुत उदों छोटी अवस्था सी, पता नहीं वह ख्याल क्यों आया, नहीं तो आम तौर दे उत्ते 5-6 साल दे बच्चियां नूं ऐसे ख्याल नहीं आउंदे गे। तो मैं जितने भी साडे घर दे मैंबर सन सब दियां ढेरियां बना लईआं, एक एक ते सवाल कीता कि तू मेरी मौत दे वक्त रख्या करेगा, कि तू मेरी मदद कर सकदा है। मैनूं अंदरों ही जवाब मिलदे सीगे कि असी तां आप मरन जमण दे विच लगे होए हैं, जिस ताकत की मैनूं बचपने तो ही भाल सी, जिस दे मतलब मैं हमेशा सोचदा हुंदा सी कि मेरा कुछ खोया होया है, कि मैनूं कदे मिल जाएगा, उस दे नां दी एक गैबी ताकत दी जिहनूं कदे देखिया नहीं सी ढेरी रख ली। मेरा पिता सारा कुछ ही देख रहा सीगा, जब मैं सारियां ढेरियां एक एक करके पहला बनाई फिटाई, उहने जब मैनूं पुछिया की कीता, मैं उहनां नूं आपदे दिल दा हाल खोल के दसिया कि इस तरह है। उसनू नाराजगी भी पैदा हुई भी असी इसनू अच्छी तरह पालदे हैं, सब कुछ दे खाण नू दिंदे हैं, अजे भी ये कहिंदा कि तू साडी रख्या नहीं कर सकदे गे, क्योंकि उहनू जो मेरी सोचनी सी उह बहुत उच्ची और गहराई दे विच सीगी, उह एक छोटे जे ख्याल सोच रहा सीगा। तो जदों असी इस तरह दे ख्याल पैदा करदे हैं तो कबीर साहिब ने भी कहा है कि उपर पूजा कर मैं पकारिया, उपर पूजा कर मैं गुर पै पकारिया, तिन्हों लिया उभारी। कहन लगे जब साडे भी दिल च तड़फ हुई दुनिया की तरफ देखिया कि इथों का कोई भी धन दौलत नाल नहीं जाता, कोई कुड़म कुटुंब नाल नहीं जाता, कोई भैन भरा साथ नहीं जाता, साडे जिउंदिया जिउंदिया ये भैन भरा साडा साथ छड जांदे है,
उदो मैं एक उभारन वाला गुरु ही देखिया और उदे अगे मैं बाहां करके पकारिया, उन्हें मेरिया बाहां पकड़ के मैनु उपर खिंच लिया। तो कहण दा भाव जद असी ऐसी पकार करदे हैं सारे सहारे छड के, तो परमात्मा तो भी रेहा नहीं जांदा, वो जरूर साड़ी मदद करदा है, सानू अपने पास बुलांदा है। कई दफ़ा जब मैं पूरे उत्साह के साथ में अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, बैठने की और आज्ञाओं का पालन करने की, तब उसके साथ ही मुझे एहसास होता है कि मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ, और ये सोच मेरे रास्ते के अंदर रुकावट बनती है और मैं आपसे और मदद मांगने में कामयाब नहीं हो पाता। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पहले ही आपके ऊपर काफ़ी बोझ हूँ और बोझ आपके ऊपर बनना नहीं चाहता, तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? जो तुम व्यास के बैठे हो, मैं उदों भी तुहानूं दस्सिया सी कि कमजोर ख्याल, बुरा ख्याल इंसान नूं ब्रह्मांड की चोटी तो थले लै आउंदा है। ये भी एक मन की जित हुंदी है। जब असी गुरु के अभ्यास वास्ते बैठिए, प्यार प्राप्त करने वास्ते बैठिए, थानू ये भी एहसास होना चाहिए कि साडा जो जाति दुश्मन है वह साढ़े अंदर बैठा है, वह फौरन तुहाडे उत्ते हमला करता है। कि तुसी जद बैठते हो फौरन अपना सिमरन शुरू कर दो ताकि ऐसा ख्याल थोड़े अंदर आवे। संत मत कैरां दा नहीं, यह सूरमे का मत है, बहादरां दा मत है। तो आप मजबूत होके अभ्यास से बैठो, मन के हाथ विच खलौना ना बनो, सूरमे बहादुर बन के मन दे अगे डट जाओ। गुरु नानक देव जी महाराज इस वक्त की हालत में इस तरह बयान करते हैं कि सत्संगी जब ये पंजा जानी दुश्मनों के नाल लड़ता है उदो की कहता है, हों सतगुर का पहलवानड़ा, हों मारिया ऊच दमालड़ा। इस तरह वो कहता है भी नहीं तो पंज जवान गुर थापी दिती कंड जियो, तो पंज है ये सेवक कला है, लेकिन यदि पिठ से गुरु इनू हलाशेरी दिता है, गुरु साथ है, वो एक सेकेंड भी आपके सेवक के संघर्ष तो पासे नहीं हुंदा गा। सत्संगी नूं भुल के भी नहीं यह सोचना चाहिए कि मैं अकला है, जो थोड़ा बहुता भी अंदर अकागर होंगे है उन्होंने ज्ञान हो जाता है कि साढ़े नाल परछावे वक्त कोई ताकत है। मेरे पास सैकड़े उदाहरण है कि बहुत सत्संगी किसी बेसत्संगी नाल गल करते हैं और वो कहते हैं कि तेरे पिछे सानू कोई बुजुर्ग नज़र आया, सफेद कपड़े वाला नज़र आया, और थोड़े जब मैं पहले टूर ते गया है दूसरे ते भी बहुत सारे आदमियों ने यह कहा कि सानू थोड़े पिछे दो बुजुर्ग चिट्टे कपड़े वाले खड़े नज़र दे विच आउंदे है। होर भी कई इंटरव्यू दे विच आके दसदे है। तो गुरु सेवक दे हमेशा साथ है। गुरु नानक साहब कहिंदे है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तुस सिमर सिमर तुद सदा संभाले। सुल्तान महबूद पेस बदल के अपनी रजत दा रात नूं पता कर रहा है कि हो रहा है, कि रजत मेरे वास्ते की सोचती है, कि सारे सौखे है, किते दुखी तो नहीं। वो फिरदा सी, अगे उन चार चोर मिले, उन्होंने मिलाप होया। सुल्तान महमूद पूछन लग्या कि तुसी कौन हो? वो कहन लगे भी असी चोर हैं, क्योंकि उन्होंने ख्याल यही आया भी इस वेले होर कौन फिरदा है। तो बादशाह नूं पुछण लगे, तू कौन है? वह कहिंदा, मैं भी चोर। हुण जद उह पंजे चोर होए तके भी चोरी दी आपां तजवीज़ करिए, किथे लाइए किथे करिए, तो सारयां ने सलाह कीती भी बादशाह दा महल भन्नीए। पर महल भन्नण तों पहलां आपां नूं अपने विचों इक सरदार चुन लैणा बड़ा जरूरी है। पर सरदार भी आपां उसनूं ही एक कमांडर चुनीए जिहदे विच सब तो चंगा गुण होवे। सारयां तो कल्ले कल्ले तो पुछया गया भी तेरे विच की गुण है। पहला आदमी तो यह कहिंदा कि मैं
कोठे दे उपर जो कमंद लगाना है, पहले वेलिया मतलब कोई ऐसी चीज होंगी सी जी कोठे से सड़ देंगे सके, तो उस थले वाले पकड़ के रस्से तो चढ़ जाते सके। वो कहता से पहली बार ही लग जाती है, मैं इन्ना माहर हाँ मैंने दोबारे रस्सा नहीं सीटना पैंता। भावे कितने ही आदमी चढ़ जाण वो हिलदी नहीं। दूसरा कहता कि मैं सूंघण दे विच बड़ा माहर हाँ, तान जिथे दबिया होवे मैं सूंघ के दस दिना है कि इत्थे दबिया होया है। तीसरा कहण लग्या कि मैं सन लाउण दे विच पाड़ लाउण दे विच बड़ा माहर हाँ। बिल्कुल खड़का भावे कोले बंदा पिया होवे नहीं पता लगता गा बई किसी ने सन लाई है। चौथे नूं कह चौथा कहण लग्या कि मैं जानवरां दी बोली समझ लेना है जो भी वो बोलते है। एक कहण लग्या कि मैं जिन्हों एक बारी रात नूं वेख लवां दिन दे वक्त उन्हों अच्छी तरह पछाण लेना है। हुण बादशाह सोच ही रहा सीगा कि मैं की गुण दसा, क्योंकि सारे का कमांडर वो ही बनेगा जिद चंगे गुण होए। तो बादशाह की जद वारी आई वह कह लग्या कि मेरी दाढ़ी च ये गुण है, जे मैं हिला देवा तो भावें कितने आदमी फांसी के तख्ते के उत्ते चढ़े होण तो सब छुट जाते हैं। हुण बादशाह का जोड़ा गुण से वह सारे अच्छा लग्या। उन्होंने कहा भी हाँ यही सारे का सरदार होया। बड़े खुशी खुशी उन्होंने महल भन्न वास्ते तुर पे। जद तुर पे महल भन्न वास्ते रस्ते तुरे जाते हैं, कुत्ता भौंकया तो वह जो कहना सी मैं जानवर की बोली बुझ लैना है, उन्होंने कह लगे की बोलता है। वह कहता कि यह बोलता है कि इन्हों विच एक बादशाह भी है। वह सारे कह कहा के हस पे, बादशाह भी हस गया। अगे जाके आपो अपने वसब के मुताबिक उन्होंने बादशाह का महल दे विचों चोरी की। दिनों च यह कानून सी कि जब तक वह बादशाह उस ब्रंट के उत्ते दस्खत ना कर दे तो किसी बंदे नू अहलकार फांसी नहीं दे सकते सी। जब वह बादशाह के सामने आए तो वह जिहड़ा कहिंदा सी वी रात के वक्त जिन्हों मैं एक बारी देख लवा दिने मैं आसानी ना पछाण लैना है, वह जो सामने आया वो कहिंदा बादशाह सलामत हुण दाढ़ी हिला दिओ। ते असीं सच्चे दिलों इकरार करदे हैं कि सारी जिंदगी तेरे सेवक बन के रहांगे, तेरी नौकरी करांगे। असीं ये बुरियाई जिहड़ी चोरी दी है छड्डी सच्चे दिलों इकरार करदे हैं। दाढ़ी दा की हिलाउणा सीगा उसनूं तस आ गया। उसने कहा भी ना इन्हां नूं माफ कर दिओ। जिवें वो बादशाह भेस बदल के फिरदा सीगा और किस तरह उन्हें चोरों नूं माफ किया फांसी चढ़दियां नूं बचाया, इस तरह वह परमात्मा अपना देश छड़दा है, वह साडी खातर टट्टी पिशाब का चोला तारदा है, साडे वर्गा बनता है। परमात्मा ने उहदे अंदर सारे गुण रखे हुंदे है, उहदी दाढ़ी दे अंदर कि उहदे अंदर जिस दी वह हामी भर देवे वह सारे ही काल की छुरी तो काल की फांसी तो बच जाते हैं। लेकिन आप दे वर्गे इंसान ते भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल हुंदा है। जो आदमी भरोसा कर लेंदे है उन्होंने पता है कि वह जिहड़ा साडे खातर भेस बदली फिरदा है वह हमेशा ही साडे नाल है। गुरु नानक साहिब जी महाराज इस नूं होर भी साफ करदे है, कोट अपराधी संत संग उधरै जम तां के नेड़ ना आवै। कबीर साहब कहिंदे आ कबीर कबीरा कहानी पीड़ दे सतगुरु ले छडाए, परा पूर्वली भावनी ते प्रगट होई आए। सत्संगी नूं हमेशा प्यार भरोसा श्रद्धा लेके चलना चाहीदा। अभ्यास ते बैठदा तां वी इह तिन्ने चीज़ां पास हो, चलदा फिरदा तां वी इह तिन्ने चीज़ां पास हो, विश्वास होवे भरोसा होवे प्यार होवे। अच्छा।